नमस्कार दोस्तों, कैसे हो आप सभी। उम्मीद करता हूँ काफी ज्यादा अच्छे होंगे। जैसा कि आपको बताया कि अफगानिस्तान और इंडिया के बीच में इस T20 वर्ल्ड कप का मैच नंबर 43 खेले जाने वाला है। अब इस मुकाबले की ग्रैंड लीग की टीम हमको किस तरीके से क्रिएट करनी चाहिए, क्योंकि यहाँ पे बहुत ही बड़ी कंफ्यूजन यहाँ पे विराट कोहली को लेके है कि भाई विराट कोहली ने अभी तक इस T20 वर्ल्ड कप के अंदर एक भी मुकाबला ऐसा नहीं खेला है जिसके अंदर इन्होंने 10 रन भी बना दिए हो। जल्दी जल्दी आए, जल्दी जल्दी गए, बिल्कुल फ्लॉप चल रहे हैं। तो काफी सारे लोगों के मन में यह है कि क्या इस वाले मुकाबले के अंदर हमको विराट कोहली लेके चलना चाहिए या फिर नहीं लेके चलना चाहिए, क्योंकि 3-4 मुकाबलों से फ्लॉप होने की वजह से काफी बड़ी कंफ्यूजन यहाँ पे होने वाली है। लेकिन क्या अब की बार अफगानिस्तान के सामने ये परफॉर्मेंस कर पाएंगे या फिर नहीं कर पाएंगे, इनको लेना है या फिर नहीं लेना है, वो आज इस वाली वीडियो के अंदर आपको पता चल जाएगा। क्योंकि यहाँ पर अगर एक बड़ा आंकड़ा देखे इन दोनों टीमों के बीच में, तो टोटल 6 T20 मुकाबले खेले हैं जिनमें से अभी तक एक भी मुकाबला अफगानिस्तान ने इंडिया के सामने नहीं जीता है। यानी कि भाई इंडिया जो है वो अफगानिस्तान के सामने हर बार जीतती है और हर बार काफी अच्छा परफॉर्मेंस करती है। लेकिन ये जो मुकाबला है ये सुपर 8 का मुकाबला है और अफगानिस्तान की भी फॉर्म इस T20 वर्ल्ड कप के अंदर काफी जबरदस्त आपको देखने को मिली है। तो अफगानिस्तान भी भाई रन भी काफी जबरदस्त बनाएगी और विकेटें भी काफी अच्छी निकालने वाली है। तो अफगानिस्तान की तरफ से भी आपको काफी अच्छा परफॉर्मेंस देखने को मिलेगा और इंडिया की तरफ से भी आपको काफी अच्छा देखने को मिलेगा। तो इस कंडीशन में हमको कौन से खिलाड़ी को लेकर चलना चाहिए और कौन से खिलाड़ी को ड्रॉप आउट करना चाहिए, ये भी आपको इस वाली वीडियो के अंदर डिटेल से मिलने वाला है। और बॉलिंग वाले सेक्शन में अगर हम खिलाड़ी लेते हैं तो क्या इंडिया के खिलाड़ी ज्यादा लेके चलना चाहिए या फिर अफगानिस्तान के खिलाड़ी ज्यादा लेके चलना चाहिए, ये भी आपको इस वाली वीडियो के अंदर डिटेल से मिलने वाला है। और अगर आप भी इस वाले मुकाबले की मेगा ग्रैंड लीग की टीम बना के अच्छी खासी विनिंग करना चाहते हो तो इस वाली वीडियो को शुरू से लेकर एंड तक जरूर देखना, क्योंकि इस वाली वीडियो के अंदर मैं आपको बताने वाला हूं कि इन सभी खिलाड़ियों में से कौन से खिलाड़ी ऐसे होंगे जो कि अब की बार फ्लॉप जाने वाले हैं और कौन से खिलाड़ी ऐसे होंगे जो कि भाई अब की बार सबसे जबरदस्त परफॉर्मेंस करेंगे। और साथ ही साथ आपको ये भी बताने वाला हूं कि इन सभी खिलाड़ियों में से अब की बार हमारे लिए बेस्ट CVC का ऑप्शन कौन सा खिलाड़ी होने वाला है। और गाइस इस वाली वीडियो के अंदर मैं आपके लिए एक ऐसा ऑफर लेके आया हूँ जो कि भाई फैंटेसी की दुनिया में आपको और कहीं नहीं मिलेगा। आपको मिलेंगे 1 नहीं 2 नहीं 3 नहीं पूरे 5 मेगा कॉन्टेस्ट, वो भी सिर्फ 1 रुपए में। दोबारा सुनो, 5 मेगा कॉन्टेस्ट खेल सकते हो वो भी सिर्फ 1 रुपए में। बस जानने के लिए वीडियो देखते रहो। और वीडियो के एंड में मैं आपको ग्रैंड लीग की रिक्सी टीम भी बना के बताने वाला हूँ जो कि आपको काफी ज्यादा हेल्प भी करेगी। तो ये सारा कुछ आपको इसी एक वीडियो के अंदर देखने को मिल जाएगा। अगर आपको ये वीडियो पसंद आए तो वीडियो को लाइक जरूर कर देना और लाइक का टारगेट ओनली फॉर 3000 लाइक का है और मुझे उम्मीद आप सभी से 3000 लाइक तो पूरा करवा ही दोगे। तो भाई जिसने भी अभी तक लाइक का बटन नहीं दबाया तो भाई फटाफट से जाके लाइक का बटन दबा देना और मुझे कमेंट करके जरूर से बताना कि इन दोनों टीमों में से आप क्या चाहते हो कि ये मुकाबला कौन सी टीम को जीतना चाहिए और आपकी फेवरेट टीम कौन सी है, ये भी मेरे को कमेंट करके बता देना। तो चलिए फिर वीडियो स्टार्ट करते हैं। तो सबसे पहले तो मैं आपको बता दूं इन सभी खिलाड़ियों में से कौन सा खिलाड़ी फ्लॉप जाएगा और कौन सा खिलाड़ी बेस्ट परफॉर्मेंस करेगा। तो सबसे पहले यहां पर बात करते हैं विकेट कीपर वाले सेक्शन की। ऊपरी पर देखोगे तो यहां पर आपको रहमतुल्ला गुरबाज देखने को मिल जाएंगे, फिर नीचे देखोगे तो यहां पर आपको ऋषभ पंत देखने को मिल जाएंगे, संजू सैमसन और मोहम्मद इशाक तो वैसे भी लाइनअप में नहीं आने वाले हैं तो भाई हम इनको वैसे भी छोड़ के ही चलेंगे। ओनली फॉर ये दो खिलाड़ी इस वाले मुकाबले के अंदर भी आपको खेलते हुए नजर आने वाले हैं। अब बात यहां पे ये आती है कि भाई इन दोनों खिलाड़ियों में से आपको कौन से खिलाड़ी को लेकर चलना चाहिए और कौन से खिलाड़ी को ड्रॉप आउट करना चाहिए। तो सबसे पहले यहां पे बात करते हैं रहमतुल्ला गुरबाज की। इस T20 वर्ल्ड कप के अंदर लगातार 4 मुकाबले रहमतुल्ला गुरबाज ने भी खेले हैं। शुरू शुरू के जो 3 मुकाबले हैं काफी जबरदस्त परफॉर्मेंस इन्होंने की है और काफी जबरदस्त रन भी बनाए थे। लेकिन पिछला जो मुकाबला गया है वेस्ट इंडीज के सामने, कहीं ना कहीं उसके अंदर ये फ्लॉप गए थे, ज्यादा कुछ खास परफॉर्मेंस नहीं कर पाए थे। और इंडिया के सामने भी अगर गुरबाज का रिकॉर्ड देखा जाए तो भाई उतना ज्यादा खास नहीं है, इंडिया के सामने ये ज्यादातर फ्लॉप ही जाता है। काफी सारे लोग अब की बार इनको लेके ही चलने वाले हैं क्योंकि 70% लोग यहाँ पे इनको लेके चल रहे हैं। लेकिन अगर आपको एक यूनिक टीम बनानी है और एक बड़ा खिलाड़ी ड्रॉप आउट करना है रिस्क लेके, तो भाई वहां पर आप गुरबाज को कर सकते हो, क्योंकि गुरबाज के इस वाले मुकाबले के अंदर फ्लॉप होने के चांसेस काफी ज्यादा होने वाले हैं। बाकी नीचे देखोगे तो यहाँ पर आपको ऋषभ पंत देखने को मिल जाएंगे। लगातार 3 मुकाबले इन्होंने भी खेले हैं और तीनों ही मुकाबलों के अंदर इनका जो परफॉर्मेंस है वो हमको काफी अच्छा देखने को मिला था। और इसकी वजह भी कहीं ना कहीं यही है कि भाई बैटिंग ऑर्डर जो है वो इनका काफी बेस्ट है, यानी कि भाई 3rd नंबर के आसपास ये बैटिंग करने भी आ जाते हैं। तो यहाँ पे इसीलिए इनको एडवांटेज मिल जाता है रन बनाने का और आपको अच्छे खासे पॉइंट भी मिल जाते हैं। और अब की बार भी ये 3rd नंबर पे बैटिंग करने आने वाले हैं और इंडिया के टॉप ऑर्डर में से अगर कोई खिलाड़ी 50 या फिर 60 रन बना के आउट भी होता है तो भी भाई बैटिंग यहाँ पे ऋषभ पंत की जल्दी आ जाएगी। इसीलिए आप अपनी हर टीम के अंदर इस बार भी ऋषभ पंत को लेके चलना चाहो तो लेके चल सकते हो, चाहे आप स्मॉली की टीम बना रहे हो, चाहे आप ग्रैंड लीग की टीम बना रहे हो, सभी टीम के अंदर यहाँ पे ऋषभ पंत अब की बार आपके लिए इम्पोर्टेंट खिलाड़ी होने वाला है। बाकी संजू सैमसन लाइनअप में नहीं आने वाला है इस बार भी, क्योंकि ऋषभ पंत वैसे भी काफी अच्छी परफॉर्मेंस कर रहे हैं, तो इसीलिए आप इनको छोड़ देना और मोहम्मद इशाक को भी छोड़ देना। बाकी बेस्ट खिलाड़ी जो अगर देखा जाए विकेट कीपर वाले सेक्शन में तो वो केवल अब की बार ऋषभ पंत होने वाले हैं। इनके अलावा जो भी खिलाड़ी है आप आराम से ड्रॉप आउट करके चल सकते हो। बाकी क्या ऋषभ पंत को CVC क्रिएट करना चाहिए
या फिर नहीं करना चाहिए वो मैं आपको वीडियो का आगे बता दूंगा। बाकी अब मैं आपको बताता हूँ कि बेटिंग वाले सेक्शन में कौन सा खिलाड़ी फ्लॉप जाने वाला है और कौन सा खिलाड़ी बेस्ट परफॉर्मेंस करेगा। ऊपरी पर देखोगे तो यहाँ पर आपको सूर्य कुमार यादव देखने को मिल जाएंगे, विराट कोहली देखने को मिल जाएंगे, रोहित शर्मा देखने को मिल जाएंगे, इब्राहिम जडरन देखने को मिल जाएंगे, गुलबुद्दीन नाइब देखने को मिल जाएंगे और नीचे आओगे तो यहाँ पर आपको यशस्वी जायसवाल देखने को मिल जाएंगे, नजीबुल्ला जडरन देखने को मिल जाएंगे, शुभमन गिल देखने को मिल जाएंगे, इसके बाद यहाँ पे जजाई देखने को मिल जाएंगे। बाकी नीचे से रिंकू सिंह, अटल वगैरह ये भी लाइनअप में नहीं आने वाले हैं तो हम इनको छोड़ के ही चलेंगे। बाकी ये सारे के सारे खिलाड़ी आपको बैटिंग से देखने को मिल जाते हैं। अब भी इन सारे खिलाड़ियों में से कौन से खिलाड़ी को ड्रॉप आउट करना चाहिए और कौन सा खिलाड़ी बेस्ट होगा वो मैं आपको बता देता हूँ। तो सबसे पहले यहाँ पे बात करते हैं सूर्य कुमार यादव की। देखो यूएस के सामने सूर्य कुमार यादव ने भी काफी अच्छे रन बनाए थे और इसकी वजह कहीं ना कहीं ये भी थी कि भाई रोहित शर्मा जल्दी आउट हो गए थे और विराट कोहली भी जल्दी आउट हो गए थे, तो पूरी की पूरी रन बनाने की जिम्मेदारी जो है वो सूर्य कुमार यादव के ऊपर आ गई थी, तो इसीलिए वहां पे ये चल गए थे। लेकिन इस बार अगर आप रिस्क लेके ड्रॉप आउट करना चाहो तो भी भाई सूर्य कुमार यादव को कर सकते हो, क्योंकि भाई इनके फ्लॉप होने के चांसेस काफी ज्यादा होने वाले हैं। बाकी बैटिंग से अगर चलेंगे वो दूसरे खिलाड़ी चलने वाले हैं। बाकी नीचे देखोगे तो यहाँ पे आपको विराट कोहली देखने को मिल जाएंगे। अब मेन मुद्दे की बात यहीं पे आती है, लगातार 3-4 मुकाबले खेले हैं, तीनों ही मुकाबलों के अंदर ये फ्लॉप गए हैं, एक भी मुकाबला इनका ऐसा नहीं गया था जिसके अंदर इन्होंने कुछ रन भी बनाए हो, और इसी वजह से इस बार भी विराट कोहली को काफी सारे लोग ड्रॉप आउट भी करके चलने वाले हैं। केवल यहाँ पे आप देख ही सकते हो 64% लोग इनको लेके चल रहे हैं, बाकी जो भी लोग हैं इनको ड्रॉप आउट करके ही चल रहे हैं। और यही पे अगर एक दो मुकाबले के अंदर ये सेंचुरी भी मार देते तो भाई यहाँ पे इनका सिलेक्शन परसेंटेज कम से कम 90 या फिर 91 के आसपास होता, लेकिन भाई सेंचुरी नहीं मारने की वजह से इनका सिलेक्शन परसेंटेज केवल 64% रह गया है। लेकिन भाई मैं आपको एक बात बता दूं, देखो विराट कोहली इस T20 वर्ल्ड कप के अंदर तो नहीं चले हैं, लेकिन इस वर्ल्ड कप के पिछले मुकाबले की अगर बात की जाए IPL के अंदर, तो वहां पर आपने देखा है कि भाई विराट कोहली ने काफी जबरदस्त रन भी बनाए हैं बैक टू बैक, और सामने वाली जो टीम है वो अब की बार अफगानिस्तान होने वाली है, और अफगानिस्तान के सामने हर बार विराट कोहली चलते भी हैं और काफी अच्छे रन भी बनाते हैं, और इस बार विराट कोहली वापसी करने की पूरी कोशिश भी करने वाले हैं, क्योंकि भाई लगातार 3 मुकाबलों से फ्लॉप होने की वजह से विराट कोहली की तरफ से भी आपको काफी अच्छी वापसी देखने को मिलेगी। तो इसीलिए यहाँ पर अगर आप एक रिस्क लेना चाहते हो और ग्रैंड लीग की टीम बनाना चाहते हो तो उसके अंदर आप विराट कोहली को लेकर चल सकते हो। ये बिल्कुल भी मत सोचना कि यार केवल 64% लोग इनको लेके चल रहे हैं तो भाई हम इनको क्यों लेके चले, ये आपको बिल्कुल भी नहीं सोचना है, क्योंकि भाई विराट कोहली है काफी एक्सपीरियंस खिलाड़ी। भले ही इस T20 वर्ल्ड कप के अंदर इन्होंने कुछ मैचों के अंदर सही परफॉर्मेंस नहीं किया है, लेकिन एक हिसाब से अगर देखा जाए तो भाई इंपोर्टेंट खिलाड़ी विराट कोहली भी है, तो भाई इसीलिए आप अपनी ग्रैंड लीग की टीम के अंदर विराट कोहली को लेकर चल सकते हो। बाकी नीचे देखोगे तो यहाँ पर आपको रोहित शर्मा देखने को मिल जाएंगे। रोहित शर्मा ने भी हालांकि T20 वर्ल्ड कप के अंदर ज्यादा कुछ खास परफॉर्मेंस नहीं किया है, केवल एक मुकाबला ऐसा गया था जिसके अंदर रोहित शर्मा चले थे, बाकी लगातार ये भी फ्लॉप होते ही आए हैं। लेकिन गाइस अब की बार भी रोहित शर्मा यहाँ पे ओपनिंग करते हुए नजर आने वाले हैं, तो यहाँ पर अगर आपको ये 50 रन के आसपास भी बना के देते हैं, क्योंकि भाई ये पावर प्ले के अंदर 50 लगाने की कोशिश जरूर करते हैं, तो इसीलिए अगर ये 50 रन भी बना देते हैं तो भी भाई आपके लिए इंपोर्टेंट खिलाड़ी यहाँ पे रोहित शर्मा हो जाते हैं। तो भाई इसीलिए अगर आप रोहित शर्मा को भी इस बार लेके चलना चाहो तो भाई लेके चल सकते हो, काफी बेस्ट खिलाड़ी अब की बार भी ये होने वाला है। बाकी नीचे देखोगे तो यहाँ पर आपको इब्राहिम जडरन देखने को मिल जाएंगे। पिछले मुकाबले के अंदर वेस्ट इंडीज के सामने भी काफी अच्छा परफॉर्मेंस किया था और इस वाले मुकाबले के अंदर भी इब्राहिम जडरन चलने वाले हैं, क्योंकि इंडिया के सामने कहीं ना कहीं ये काफी अच्छी परफॉर्मेंस भी करते हैं और अब की बार गुरबाज जल्दी आउट होने वाला है, तो इसीलिए भाई बैटिंग करने की जिम्मेदारी कहीं ना कहीं इनके ऊपर भी आती है, तो भाई इसीलिए आप इब्राहिम जडरन को भी इस बार लेके चल सकते हो, जो कि भाई आपको काफी अच्छी बैटिंग इस बार भी करके देने वाला है। बाकी नीचे देखोगे तो यहाँ पर आपको गुलबुद्दीन नाइब देखने को मिल जाएंगे। अफगानिस्तान की तरफ से अगर आपको एक बैट्समैन और लेके चलना है तो वो गुलबुद्दीन नाइब को लेके चल सकते हो, क्योंकि गुलबुद्दीन नाइब की जो बैटिंग है वो लगभग 3rd नंबर के ऊपर है और यहाँ पर गुरबाज जल्दी आउट हो जाएंगे, तो भाई यहाँ पे गुलबुद्दीन नाइब जल्दी बैटिंग करने भी आने वाले हैं, तो इसीलिए भाई पंत प्लेयर अब की बार गुलबुद्दीन नाइब भी होने वाला है। केवल 25% लोग लेके चलेंगे, ज्यादातर लोग नहीं लेके चलेंगे, लेकिन अगर आपको ग्रैंड लीग की टीम बनाना है तो भाई उसके अंदर यहाँ पे गुलबुद्दीन को लेके चल सकते हो। बाकी नीचे आपको यहाँ पे यशस्वी जायसवाल देखने को मिल जाएंगे, इनको छोड़ देना क्योंकि भाई लाइनअप में आने के चांसेस इनके कम होने वाले हैं। नजीबुल्ला जडरन को भी छोड़ सकते हो, क्योंकि भाई इनका भी रिकॉर्ड ज्यादा कुछ खास नहीं है और इस T20 वर्ल्ड कप के अंदर भी इनका परफॉर्मेंस हमको कुछ अच्छा नहीं देखने को मिला है, तो इसीलिए आप इनको छोड़ देना। बाकी नीचे के जो भी खिलाड़ी है इनके खेलने के चांसेस कम है तो हम इनको वैसे भी छोड़ के चलने वाले हैं। बाकी बाय चांस अगर कोई खिलाड़ी लाइनअप में आ रहा है तो उसको किस तरीके से लेके चलना है तो वो अपडेट मैं आपको टेलीग्राम पे दे दूंगा मैच स्टार्ट होने से पहले, तो टेलीग्राम को पक्का से ज्वाइन कर लेना। बाकी बैटिंग वाले सेक्शन में इंपोर्टेंट खिलाड़ी कौन सा है, ड्रॉप आउट किसको करना है, फ्लॉप कौन सा जाने वाला है वो मैंने आपको डिटेल से बता ही दिया है। बाकी क्या बैटिंग वाले सेक्शन में जो खिलाड़ी मैंने बताया है इनमें से किसी खिलाड़ी को CVC क्रिएट करना चाहिए या फिर नहीं करना चाहिए वो मैं आपको वीडियो का आगे बता दूंगा। बाकी अब मैं आपको बता देता हूँ कि ऑलराउंडर वाले सेक्शन में कौन सा खिलाड़ी फ्लॉप जाने वाला है और कौन सा खिलाड़ी बेस्ट परफॉर्मेंस करेगा। लेकिन उससे पहले चलिए अब हम यहाँ पे बात करते हैं कि कैसे आप जीत सकते हो ग्रैंड लीग, वो भी सिर्फ 1 रुपए में। 20 जून को T20 वर्ल्ड कप चैंपियनशिप का मैच
मैच है अफगानिस्तान और इंडिया के बीच। मैच से पहले डिस्क्रिप्शन में दिए गए लिंक से डाउनलोड करें माई 11 सर्कल ऐप और अभी जाके टीम बनाओ। डाउनलोड करने के बाद रजिस्टर करो और रजिस्टर करने के एक घंटे के अंदर अंदर अगर आप मेगा कॉन्टेस्ट ज्वाइन करते हो तो भाई आपकी एंट्री फीस हो जाएगी सिर्फ ₹1। आप 5 मेगा कॉन्टेस्ट ज्वाइन कर सकते हो वो भी सिर्फ ₹1 में, मतलब 5 टीम सिर्फ ₹5 में। और आपको मिलेगा मौका ग्रैंड लीग जीतने का जिसमें फर्स्ट प्राइज ही 1 करोड़ है। और इतना ही नहीं, डिस्क्रिप्शन में दिए गए लिंक से अगर आप डाउनलोड करते हो और मेरा कूपन कोड यूज करते हो तो आपके फर्स्ट डिपॉजिट के ऊपर आपको 20% का एक्स्ट्रा रियल कैश भी मिलेगा। मतलब अगर आपका फर्स्ट डिपॉजिट 1000 का है तो भाई यहाँ पर आपको 1200 मिलेंगे और साथ ही मिलेगा ₹1500 का कैश बोनस भी। तो मैंने तो अपनी टीम बना ली है माई 11 सर्कल ऐप के ऊपर अफगानिस्तान और इंडिया के मैच की। आप भी जाके जरूर से बनाना, माई 11 सर्कल ऐप का लिंक आपको नीचे डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगा। बाकी अब मैं आपको बता देता हूँ कि ऑलराउंडर वाले सेक्शन में कौन सा खिलाड़ी फ्लॉप जाएगा और कौन सा खिलाड़ी बेस्ट परफॉर्मेंस करेगा। ऊपरी पर देखोगे तो यहाँ पर आपको हार्दिक पांडे देखने को मिल जाएंगे, रविंद्र जडेजा देखने को मिल जाएंगे, मोहम्मद नबी देखने को मिल जाएंगे, अक्षर पटेल देखने को मिल जाएंगे, अजमतुल्ला उमरजई देखने को मिल जाएंगे, इसके बाद शिवम दुबे देखने को मिल जाएंगे, करीम जन्नत देखने को मिल जाएंगे। बाकी नीचे ये लाइनअप में नहीं आने वाले हैं तो आप इनको छोड़ के चल सकते हो। ये सारे के सारे खिलाड़ी आपको ऑलराउंडर से देखने को मिल जाते हैं। अब भी इन सारे खिलाड़ियों में से कौन से खिलाड़ी को लेके चलना चाहिए और कौन से खिलाड़ी को ड्रॉप आउट करना चाहिए वो मैं आपको बता देता हूँ। तो सबसे पहले यहाँ पे बात करते हैं हार्दिक पांड्या की। लगातार 3 मुकाबले हार्दिक पांड्या ने भी खेले हैं और हार्दिक पांड्या की जो बॉलिंग है वो काफी जबरदस्त देखने को मिली है इस बार। हर मैच के अंदर भाई इन्होंने विकेट काफी अच्छी निकाली है और इनके पास बैटिंग करने का एडवांटेज काफी जबरदस्त है, क्योंकि भाई बैटिंग ऑर्डर जो है वो काफी ज्यादा नीचे है, यानी कि भाई 6 या फिर 7वें नंबर के ऊपर है। तो यहाँ पे ये बैटिंग करते हुए भी आपको दे तौर के आसपास नजर आते हैं और दे तौर के अंदर आपको पता है कि खिलाड़ी जो है वो खुल के खेलता है, यानी कि बॉल कम भी होती है तो भी भाई वो काफी जबरदस्त रन बना लेता है। तो इसीलिए भाई यहाँ पे इनका बैटिंग ऑर्डर भी काफी अच्छा है। बाकी बॉलिंग तो इस वाले मुकाबले के अंदर ये काफी जबरदस्त करने ही वाले हैं, क्योंकि फॉर्म काफी अच्छी चल रही है और लगातार 3 मुकाबलों से भी काफी अच्छा परफॉर्मेंस करते हुए आए हैं। और साथ ही साथ इस वाले मुकाबले के अंदर ये इंपॉर्टेंट इसलिए होंगे क्योंकि भाई तेज गेंदबाज भी है ये और तेज गेंदबाज को ये वाला पिच भी सपोर्ट करता है। और अफगानिस्तान के सामने वैसे भी ये काफी अच्छी परफॉर्मेंस करते हैं और अफगानिस्तान इंडिया के सामने कहीं ना कहीं लो टीम भी है, तो इसीलिए भाई यहाँ पे विकेटें काफी अच्छी निकालते हुए नजर आने वाले हैं हार्दिक पांड्या, तो इसीलिए आप इनको जरूर से लेके चला। बाकी नीचे देखोगे तो यहाँ पर आपको रविंद्र जडेजा देखने को मिल जाएंगे। लगातार 3 मुकाबले इन्होंने भी खेले हैं और तीनों ही मुकाबलों के अंदर कहीं ना कहीं ये फ्लॉप गए थे, ज्यादा कुछ खास विकेटें नहीं निकाल पाए थे। लेकिन भाई जडेजा जो है वो काफी एक्सपीरियंस खिलाड़ी है, आप ये बिल्कुल भी मत सोचना कि यार 3 मुकाबलों से फ्लॉप होने की वजह से हम इनको नहीं लेके चले। आपको ये चीज नहीं सोचना है, अगर आप ज्यादा टीमें बना रहे हो, जैसे कि 10 टीमें बना रहे हो, जैसे कि 7 टीमें बना रहे हो, तो 1-2 टीमों के अंदर इनको लेके जरूर से चलना। बाकी इंडिया के सामने भाई मोहम्मद नबी भी काफी अच्छा परफॉर्मेंस करता है, इस वाले मुकाबले के अंदर भी इनका परफॉर्मेंस हमको काफी अच्छा देखने को मिलेगा। और बैटिंग की बात की जाए तो भी भाई 6 नंबर के आसपास आने वाले हैं और अफगानिस्तान के वैसे भी गुरबाज जल्दी आउट होने वाले हैं, नजीबुल्ला जडरन जल्दी आउट होने वाले हैं, तो कहीं ना कहीं बैटिंग जो है वो मोहम्मद नबी की भी जल्दी आ जाएगी। और इनके पास बॉलिंग का भी एडवांटेज है, अगर इंडिया की 1-2 विकेट भी निकालते हैं तो भी भाई आपके लिए इंपोर्टेंट खिलाड़ी मोहम्मद नबी होने वाले हैं, तो आप अपनी ग्रैंड लीग की टीम के अंदर नबी को लेकर चल सकते हो। बाकी अक्षर पटेल तो वैसे भी एवरग्रीन खिलाड़ी होने वाला है, इस वाले मुकाबले के अंदर आपको काफी अच्छी परफॉर्मेंस करके देने वाला है, काफी अच्छे पॉइंट भी देने वाला है, क्योंकि भाई बैटिंग ऑर्डर भी काफी अच्छा है इनका और साथ ही साथ बॉलिंग भी काफी जबरदस्त करता है। लगातार 3 मुकाबलों से भी आपने देखे कि भाई अच्छी खासी परफॉर्मेंस करते हुए भी आए हैं, तो इसीलिए आप इनको लेके चल सकते हो। बाकी नीचे आपको उमरजई देखने को मिल जाएंगे, उमरजई को भी अगर आप लेना चाहो तो भी लेके चल सकते हो। बाकी शिवम दुबे को ड्रॉप आउट कर लेना, करीम जन्नत को ड्रॉप आउट कर लेना, और ये तो वैसे भी लाइनअप में नहीं आने वाला है। बाकी इंपोर्टेंट खिलाड़ी कौन सा होने वाला है वो मैंने आपको डिटेल से बता ही दिया है। बाकी ज्यादा टीमें बना रहे हो तो भाई जडेजा को आप जरूर से लेके चलना, ये चीज भी आप दिमाग में रख लेना। बाकी क्या ऑलराउंडर वाले सेक्शन में जो खिलाड़ी मैंने बताया है इनमें से किसी खिलाड़ी को सीबीसी क्रिएट करना चाहिए या फिर नहीं करना चाहिए वो मैं आपको वीडियो का आगे बता दूंगा। बाकी अब मैं आपको बता देता हूँ कि बॉलिंग वाले सेक्शन में कौन सा खिलाड़ी फ्लॉप जाने वाला है और कौन सा खिलाड़ी बेस्ट परफॉर्मेंस करेगा। तो सबसे पहले यहाँ पे बात करते हैं राशिद खान की। टोटल 4 मुकाबले इन्होंने भी खेले हैं इस T20 वर्ल्ड कप के अंदर, जिनमें से पिछले मुकाबले के अंदर तो ज्यादा कुछ खास परफॉर्मेंस नहीं कर पाए थे, लेकिन उनसे पहले 2-3 मुकाबले इनके भी ऐसे गए थे जिसके अंदर इन्होंने काफी तगड़ी परफॉर्मेंस की है और बैटिंग ऑर्डर इनका भी काफी ज्यादा नीचे आता है और बॉलिंग का एडवांटेज काफी बेस्ट इनके पास भी है और इंडिया के सामने हर बार ये काफी अच्छी परफॉर्मेंस करते हैं और काफी जबरदस्त विकेटें भी चटकाते हैं। तो इसीलिए यहाँ पर आप राशिद खान को भी लेके चलना चाहो तो भी लेके चल सकते हो, जो कि भाई इंपोर्टेंट खिलाड़ी अब की बार भी होने वाले हैं। बाकी रविंद्र जडेजा भी इस वाले मुकाबले के अंदर बेस्ट खिलाड़ी होने वाले हैं, तो भाई जडेजा को भी आप जरूर से लेके चलना। बाकी इस वाले मुकाबले के अंदर जो इंपोर्टेंट खिलाड़ी होगा अफगानिस्तान की तरफ से वो फारूकी होने वाला है और फारूकी भी आपको काफी अच्छी विकेटें निकाल के देने वाला है, क्योंकि इस T20 वर्ल्ड कप के भी शुरू के 3 मुकाबले ऐसे गए थे जिसके अंदर इन्होंने काफी जबरदस्त विकेटें निकाली थी और इस वाले मुकाबले के अंदर भी इंपोर्टेंट खिलाड़ी होने वाले हैं, तो आप इनको लेके चल सकते हो। बाकी नवीन उलक को आप ड्रॉप आउट लेना। बाकी नीचे आपको अर्शदीप सिंह देखने को मिल जाएंगे, अर्शदीप सिंह को अगर आप लेना चाहो तो लेके चल सकते हो, क्योंकि फॉर्म
फॉर्म काफी अच्छी चल रही है और पावर प्ले के अंदर ये बॉलिंग करते हुए भी नजर आने वाले हैं, तो इसीलिए भाई ये भी आपको काफी अच्छी विकेट निकाल के दे सकते हैं, तो इसीलिए आप इनको लेके चल लेना। बाकी यहाँ पे मोहम्मद सिराज को ड्रॉप आउट कर लेना, कुलदीप यादव के खेलने के चांसेस कम होंगे तो हम इनको छोड़ के ही चलेंगे। बाकी नीचे के जो भी खिलाड़ी है ये भी एक्स्ट्रा खिलाड़ी होंगे, नहीं खेलने वाले तो हम इनको छोड़ के ही चलेंगे। बाकी इंपोर्टेंट खिलाड़ी बॉलिंग से कौन सा होने वाला है अब की बार, वो मैंने आपको डिटेल से बता दिया है, लगभग सारे सेक्शन से बता दिया है कि कौन से सेक्शन से कौन सा प्लेयर इंपोर्टेंट होगा और कौन से प्लेयर को आपको ड्रॉप आउट करना चाहिए। बाकी अब मैं आपको ग्रैंड लीग की रिक्शा टीम बना के बता देता हूँ जो कि आपको काफी ज्यादा हेल्प भी करेगी। तो गाइस हमारा जो कॉम्बिनेशन है वो फिलहाल कुछ इस तरीके से होने वाला है, जो कि आप देख सकते हो विकेट कीपर वाले सेक्शन में मैंने एक खिलाड़ी को लिया है, तीन खिलाड़ी मैंने बैटिंग से लिया है, पांच खिलाड़ी जो लिया है वो मैंने ऑलराउंडर से लिया है और दो खिलाड़ी मैंने बॉलिंग वाले सेक्शन में लिया है। तो कुछ इस तरीके का कॉम्बिनेशन आप भी बना के चल सकते हो जो कि भाई आपको काफी ज्यादा हेल्प करने वाला है। बाकी इस वाले कॉम्बिनेशन में सीवीसी की बात की जाए तो भाई कैप्टन मैं हार्दिक पांड्या को बनाने वाला हूँ और वाइस कैप्टन की अगर बात की जाए तो यहाँ पर मैं ऋषभ पंत को बनाने वाला हूँ। तो कुछ इस तरीके से सीवीसी आप भी बना के चल सकते हो जो कि भाई आपको काफी ज्यादा हेल्प करने वाला है। बाकी ये वाला कॉम्बिनेशन हमारा फाइनल नहीं है, लाइनअप आने के बाद कुछ भी अपडेट होता है कॉम्बिनेशन के अंदर, अगर मेरे को कुछ खिलाड़ी चेंज भी करना होगा तो वो अपडेट आपको टेलीग्राम पे मिलेगा। फाइनल जो टीम रहेगी वो भी आपको मैच स्टार्ट होने से पहले टेलीग्राम पे ही मिलेगी, तो टेलीग्राम को पक्का से ज्वाइन कर लेना जिसका लिंक नीचे डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगा। बाकी ये वाली वीडियो कैसी लगी कमेंट करके जरूर से बताना। बाकी अगर आपने माय 11 सर्कल ऐप डाउनलोड नहीं किया है तो फटाफट से जाके डाउनलोड कर लेना, क्योंकि भाई एक रुपए में ग्रैंड लीग खेलने का आपको मौका मिल रहा है, साथ ही साथ अपना फर्स्ट डिपॉजिट करोगे तो भाई 20% का भी एक्स्ट्रा रियल कैश मिलेगा और साथ ही 1500 का भी बोनस मिलने वाला है और वहाँ पे कंपटीशन कम है तो भाई जीतने के चांसेस काफी ज्यादा है। तो इसीलिए जाओ माय 11 सर्कल ऐप डाउनलोड करो जिसका लिंक नीचे डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगा। बाकी ये वाली वीडियो अगर आपको अच्छी लगी हो तो लाइक कर देना।